हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पिता कौन होता है और उनका आशीर्वाद कैसे फलता है। फ्रेंड्स, हम अक्सर माँ की कुर्बानियों का बखान तो करते रहते हैं, किंतु पिता के त्याग को भूल जाते हैं। हम सब जानते हैं कि सभी माता पिता अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, बहुत से सेक्रीफाइसेस करते हैं, अपने बच्चों को बहुत से आशीर्वाद देते हैं ताकि उनका बच्चा जीवन में तरक्की करे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि एक पिता का आशीर्वाद कैसे फलता है। वीडियो को एंड तक देखना, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो सुनाती हूँ कहानी एक गुजरात के व्यापारी की। गुजरात में एक व्यापारी था। जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपने इकलौते पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि पुत्र, मैंने कोई भी धन संपत्ति इकट्ठी नहीं की, किंतु मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम किया है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। अगर तुम मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वो भी सोना बन जाएगी। ऐसा आशीर्वाद दिया। जैसे ही पुत्र ने अपने पिता के पैर छुए, पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। तभी सारी घर की जिम्मेदारी उस इकलौते पुत्र पर आन पड़ी। उस पुत्र ने पहले एक छोटे से काम को शुरू किया, एक ठेला लिया, उस पर काम करना शुरू किया। धीरे से उसको लाभ होने लगा। धीरे धीरे उसने एक दुकान खरीद ली। दुकान खरीदी, वहां पर भी उसे बहुत लाभ हुआ, जिससे उसने बड़ी दुकान ले ली। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता रहा। नगर में उसका नाम नगर के संपन्न लोगों में लिया जाने लगा। उसने विदेशों में काम किया, वहां पर भी उसको बहुत लाभ प्राप्त हुआ। ऐसा करते करते वो बहुत ही धनवान बन गया। जब भी कोई लोग उससे पूछते कि आपके इस धनवान होने का क्या कारण है, तो वो सबको अपने पिता की ईमानदारी और प्रामाणिकता वाली बात बताता और कहता कि मुझे मेरे पिता ने आशीर्वाद दिया है कि मैं जो भी काम करूंगा उसमें लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। तो सब लोग उसे पिता का आशीर्वाद के नाम से ही पुकारने लगे। पुत्र को इस बात का कोई गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि वो जानता था कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद से ही काबिल बना हूँ। एक दिन उसके मित्र पूछने लगे कि अगर तुम्हारे पिता में इतनी ताकत थी तो वो खुद धनवान क्यों नहीं बने। तब पुत्र ने कहा कि मैं पिता की ताकत की बात नहीं करता, मैं पिता के आशीर्वाद की ताकत की बात करता हूँ। मेरे पिता के आशीर्वाद में ताकत है। ऐसा सोचते हुए उसने एक दिन अपने मित्र से कहा कि मैं हर समय लाभ ही लाभ देखता हूँ, क्यों ना मैं एक बार नुकसान का अनुभव भी करूँ। जब उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे कोई ऐसा काम बताओ कि जिसमें नुकसान हो, तब उसके मित्र ने सोचा कि मेरे मित्र के मन में घमंड आ गया है जो ऐसी बात करता है। किंतु उसने कहा कि तुम भारत में से लौंग खरीदो और अफ्रीका के जंजीबार देश में जाकर बेच दो। वहां पर वो लौंग का देश है और वहां पर लौंग बहुत सस्ते हैं, लेकिन भारत में आते आते लौंग की कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। इसमें साफ साफ नुकसान दिखाई दे रहा था। उस व्यापारी ने वैसा ही किया। उसने भारत से लौंग खरीदे और खरीद कर जंजीबार द्वीप चला गया। वहां जाकर जैसे ही उसने रेत में पैर रखा, तभी वहां से उसने सामने से वहां का राजा आता हुआ दिखाई दिया। राजा के सैनिकों के पास छलनियां थी, जिसे देखकर व्यापारी ने अपने मन में सोचा कि यहाँ के राजा के सैनिकों के पास अस्त्र शस्त्र ना होते हुए छलनियां क्यों रखी हैं। लेकिन ये सोचता सोचता वो राजा के निकट जा पहुंचा। राजा को प्रणाम किया। राजा को बताया कि मैं यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया हूँ। तब राजा ने उसका बहुत सत्कार किया। तब उसने राजा से पूछा कि महाराज, आपके सैनिक यहाँ छलनियाँ लेकर क्यों आ रहे हैं। तब महाराज ने कहा कि मैं सुबह नहाने के लिए नदी पर गया था, वहाँ पर मेरी अंगूठी खो गई, जिसे ढूंढने के लिए ये सैनिक मेरे साथ आए हैं। ये लोग इस रेत को छानकर इसमें से मेरी वो अंगूठी ढूंढ लेंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि क्या वो
अंगूठी बहुत ही ज्यादा कीमती थी। तब राजा ने कहा, नहीं, वो कीमती उससे भी ज्यादा कीमती, मेरे पास बहुत सी अंगूठियां हैं, किंतु वो एक फकीर का आशीर्वाद है और मैं मानता हूं कि मेरे राज्य में जो भी खुशहाली है वो उस अंगूठी की वजह से, उस फकीर के आशीर्वाद की वजह से है। तो तब राजा ने पूछा कि आप यहाँ पर किस चीज़ का व्यापार करने के लिए आए हो। तब उस सेठ ने बताया कि मैं यहाँ पर लौंग का व्यापार करने आया हूँ। तब राजा ने उससे कहा कि तुम यहाँ लौंग का व्यापार करने आए हो तो यहाँ पर ये तो लौंग का देश है, यहाँ पर तो तुमसे लौंग कौन खरीदेगा। तब उसने सारी बात राजा को बताई कि मेरे पिता ने मुझे जाते जाते आशीर्वाद दिया था कि मैं किसी भी काम को करूंगा तो उसमें लाभ ही लाभ होगा, मैं उनकी उनके आशीर्वाद को जांचना चाहता था इसलिए। और उन्होंने कहा था कि अगर मैं मिट्टी को भी हाथ लगाऊंगा तो वो भी सोना बन जाएगी। ऐसा कहते हुए उसने नीचे झुककर एक मिट्टी की मुट्ठी उठाई और राजा के सामने खोल दी। जैसे ही मिट्टी हाथों से गिरी तो वहां पर राजा की अंगूठी थी। राजा ये देखकर बहुत खुश हो गया क्योंकि ये वही अंगूठी थी जो फकीर ने उसे दी थी। अब राजा ने प्रसन्न होकर उस व्यापारी से कहा कि तुम मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, तुमने मेरी अंगूठी ढूंढ के दी है। तब उस व्यापारी ने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो, इस देश की इस राज्य की खुशहाली बनी रहे, मैं तो बस यही चाहता हूँ। यह सुनकर राजा ने उसे गले से लगा लिया और उससे कहा कि तुम्हारे सारे लौंग मैं खरीदूंगा और मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो इस तरह उसके पिता का आशीर्वाद वहां भी फल गया और उसे बहुत सा लाभ हुआ। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पिता का आशीर्वाद कहीं पर भी हो वो जरूर फलता है, उसे तो ब्रह्मा भी मोड़ नहीं सकते। जैसे राजा शांतनु ने भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था तो इसे ब्रह्मा जी भी नहीं तोड़ पाए थे, तब भीष्म पितामह ने 56 डेज पूरे करने के बाद अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु प्राप्त की थी। तो फ्रेंड्स, ये था पिता के आशीर्वाद का फलना। और अब पिता कौन है इसके बारे में मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए कुछ लाइनें कहना चाहूंगी। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर माने, जन्म दिया है अगर माने, जानेगा जग जिससे वो पहचान है पिता, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता। कभी कंधे पे बिठाकर मेला दिखाता है पिता, कभी कंधे पे बिठाकर मेला घुमाता है पिता, कभी बन के घोड़ा घुमाता है पिता, कभी बन के घोड़ा घुमाता है पिता। माँ अगर चलना सिखाती है पैरों पे, माँ अगर चलना सिखाती है पैरों पे, तो पैरों पे खड़ा होना सिखाता है पिता। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेते रहें क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपके पिता आपके पास हैं या आपसे दूर हैं, हर समय आपको दुआएं देते रहते हैं और हम अपने जीवन में तरक्की करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा बड़ों का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके बड़ों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। बाय।